मंगलवार को दीनदयाल नगर स्थित अपने आवास पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समीर विद्यार्थी ने दीनदयाल नगर अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 9 दिसंबर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में प्रातः 8 बजे पहुंचेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी व राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम कार्यकर्ता अपने वाहन से इस यात्रा में शामिल होंगे। संस्था के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा तथा स्थानीय नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वे सरकार से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करें, पोस्ट कार्ड भेजें, ज्ञापन दें, मेल करें, व्हाट्सएप करें तथा फेसबुक पर इसका अधिकतम प्रचार प्रसार करें। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण करवाने के लिए भारत सरकार से बराबर विभिन्न विभिन्न माध्यम से मांग करता चला आ रहा है कि देश के अंदर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। इसी संदर्भ में 4 दिसंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए जागरूकता रथ यात्रा गाजियाबाद से प्रारंभ कर रहा है, जो गाजियाबाद से चलकर प्रदेश के 66 जिलों में भ्रमण करते हुए अयोध्या में समाप्त होगी। इस संदर्भ में यह यात्रा धामपुर से 9 दिसंबर 2021 को गुरुवार को मुरादाबाद में प्रवेश करेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि यही यात्रा वास्तव में तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी, परंतु इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा होगी और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह कानून बनाने के लिए विवश होना होगा। इस कार्यक्रम की बैठक में आलोक शर्मा, दीपक वाषणे, एडवोकेट रमेश आर्य, अशोक गुप्ता, रोटी वाले, शैलेश भारतीय, समीर विद्यार्थी, नमन पुलकित, राकेश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। समीर विद्यार्थी है और मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज जो बैठक की गई थी उद्देश्य थी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक संस्था है जो पिछले 8 वर्षों से 2 बच्चों के कानून बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में लड़ाई लड़ रही है। और थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी वायुसेना से VRS दे करके उन्होंने अपना जीवन इस संस्था के नाम में अर्पण कर दिया है। इसकी राष्ट्रीय संयोजिका श्री ममता सहगल जी, जब 1990 में कश्मीर में आवाज जगी कि काफिरों 24 घंटे के अंदर घाटी खाली कर दो और अपनी बहू बेटियों को यहीं छोड़ के जाओ, उस वक्त वो सीमेंट के ट्रैक में बैठ करके भाग के वहां से निकली। उसके बाद उन्होंने जम्मू में आकर के अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर इस संस्था के नाम अपना जीवन अर्पण कर दिया। ये तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजिका के विषय में बताया है। इसमें सभी लोग अपना पूरा जीवन अर्पण कर रहे हैं, जितने लोग लगे हुए हैं। और इस संस्था ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक बच्चे का कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, तो वो एक बच्चे का कानून हमारी संस्था उसका प्रबल विरोधी है। एक बच्चे का कानून बनाने से एक वर्ग के लोग एक बच्चे के बाद सरकारी सुविधाओं के लाभ के लालच में दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। इसलिए हमारी संस्था इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि 2 बच्चों का कानून होना चाहिए और इसीलिए एक रथ यात्रा 4 दिसंबर को गाजियाबाद से निकली है, जो 66 जिलों में होती हुई 28 दिसंबर को अयोध्या में पहुंचेगी और 9 तारीख की सुबह धामपुर से चलकर ये यात्रा मुरादाबाद में 9 बजे के आसपास पहुंचेगी। हम इस यात्रा का स्वागत कांट रोड पर करेंगे, फिर ये सद्भावना नर्सिंग होम वाली रोड से होती हुई 24 मीटर वाली रोड पर होती हुई
सेल टैक्स ऑफिस की तरफ से कांट रोड पर आएगी। कांट रोड से इसे हम अम्बेडकर पार्क जिला अस्पताल के सामने उसमें एक रैली आयोजित करेंगे, एक जनसभा का आयोजन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ये लोगों में ये चेतना फैलाएंगे कि आपको अगर इस देश में रहना है और आप नहीं चाहते कि इस देश का इस्लामीकरण हो या देश के टुकड़े टुकड़े हो तो आपको इस कानून के समर्थन में आना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये आयोजन है, हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और हमारा किसी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम सभी धर्मों के लिए कानून बनाना चाहते हैं। इसमें कोई ये ना समझे कि हम किसी एक धर्म के ऊपर ये चाहते हैं। आज सरकारी सुविधाएं हम एक व्यक्ति को एक मकान देते हैं, कल को हमें उसके जब 10 बच्चे होंगे तो उसके लिए 10 बच्चों की सुविधाएं करनी पड़ेंगी, जो कि सरकार के लिए किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। नौकरियां उतनी ही रहेंगी, थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, लेकिन जब 10-10 बच्चे होंगे तो हम कहाँ से सरकार, कोई भी सरकार उन्हें नौकरियां दे पाएगी, सुविधाएं दे पाएगी, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती है, अपील है कि इस कार्यक्रम में पहुंचें और इस 2 बच्चों के कानून के समर्थन में अपना प्रण लें कि इसका समर्थन करेंगे। मेरी यही विनती है आपसे।